हेलो एंड वेलकम गाइस, मैं हूं कपिल जांगिड। फाइनली जो है दिसंबर का महीना शुरू हो चुका है, शुरू नहीं एक्चुअली आधा खत्म हो चुका है। मतलब हमारा ये साल जो है 2017 जल्दी खत्म होने वाला है। तो इस साल में जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग जो है मोबाइल्स लॉन्च हुए हैं, जिसमें से कई आपके फेवरेट रहे होंगे, कई आपने परचेस किए होंगे, यूज़ किए होंगे। लेकिन इस वीडियो में हम उन स्मार्टफोन्स के बारे में बात करेंगे जो अपने प्राइस की कैटेगरी में जो है बेस्ट स्मार्टफोन कहलाए। सो लेट्स गो। पहली जो प्राइस कैटेगरी, एक्चुअली ये प्राइस कैटेगरी नहीं है, ये ओवरऑल हम कह सकते हैं ओवरऑल 2017 के बेस्ट फोन्स कौन से हैं। तो बेस्ट फोन्स की बात की जाए तो तीन सबसे बड़े जो स्मार्टफोन्स के ब्रांड्स हैं हमारे पास, उनके नाम निकल के आते हैं एप्पल, गूगल, सैमसंग। तो इसमें भी जो है तीन ये बेस्ट फोन्स ही मेरे हिसाब से हैं, आईफोन 10, गूगल पिक्सल एक्सएल 2 और सैमसंग गैलेक्सी नोट 8। तो इनके ऊपर मैं आपको ज़्यादा डिटेल में इस वीडियो में बताऊंगा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी मैं दो वीडियो इन पर बना चुका हूँ जहाँ मैंने कंपेयर किया था इन स्मार्टफोन्स को। तो उनकी लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी और कार्ड्स में इधर इधर आपको कहीं भी वो वीडियो देखने को मिल जाएगी। दूसरी जो प्राइस कैटेगरी है वो है अंडर 40,000 रुपीज, मतलब 40,000 के नीचे कौन सा बेस्ट स्मार्टफोन है। इस प्राइस कैटेगरी में मैंने दो फोन सेलेक्ट किए हैं। तो पहला जो फोन है वो काफी लोकप्रिय रहा है, काफी फेवरेट रहा है लोगों का, 2017 में काफी लोगों ने आपने परचेस भी किया होगा। और दूसरा जो फोन है वो ब्रांड्स हमारा हमेशा से फेवरेट रहा है, मैं बात कर रहा हूँ OnePlus 5 की और Nokia 8 की। और बात करें OnePlus 5T की तो इसकी प्राइस है लगभग 38,000 रुपये। और इसके अगर कैमरे की बात करें तो इसमें आपको 20 मेगापिक्सल 16 मेगापिक्सल का ड्यूअल रियर कैमरा देखने को मिल जाता है और फ्रंट में 16 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिल जाता है। बात करें अगर डिस्प्ले की तो आपको इसमें 6.01 इंचेस का फुल HD डिस्प्ले देखने को मिलता है 18:9 एक्सेप्ट रेशियो के साथ में, और आपको इसमें कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की सिक्योरिटी मिलती है। इसी के साथ आपको इसमें क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 835 का ऑक्टाकोर प्रोसेसर देखने को मिलता है, 6GB की रैम, 128GB की इंटरनल स्टोरेज के साथ में। एंड्रॉइड इसमें 7.1.1 नोगट है जो कि लेटेस्ट है, और 3300mAh की आपको इसमें बैटरी दी गई है। इसी के साथ इसका जो फेस अनलॉकर है वो काफ़ी एक्यूरेट है, और किसी यूट्यूबर ने जो है चेक किया था, कंपेयर किया था, कईयों ने किया था आईफोन एक्स और OnePlus 5 का फेस अनलॉकर, तो काफ़ी हद तक इसने टक्कर दी थी आईफोन एक्स को। तो इससे कहा जा सकता है इसका फेस अनलॉकर काफ़ी एक्यूरेट है। और अब अगर बात करें Nokia 8 की तो इसकी प्राइस है 37,000 रुपये। और अगर इसके कैमरे की बात करें तो इसमें आपको 13 मेगापिक्सल का ड्यूअल रियर कैमरा दिया गया है और फ्रंट में भी आपको 13 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिल जाता है। और डिस्प्ले की बात करें तो आपको इसमें 5.3 इंचेस का IPS कोड HD डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, जिसको जो है कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 से सिक्योर किया गया है। इसी के साथ अगर इसके प्रोसेसर की बात करें तो इसमें आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 835 ऑक्टाकोर प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, और एंड्रॉइड 7.1 इसमें नुगट दिया गया है आपको। इसी के साथ में इसकी जो रैम है वो है 4GB और 128GB की इंटरनल स्टोरेज है, लेकिन उसे आप 256GB का मेमोरी कार्ड लगा के बढ़ा सकते हैं। हाइब्रिड सिम स्लॉट इसमें आपको देखने को मिलता है, तो आप या तो सिम लगा सकते हैं या फिर एक मेमोरी कार्ड। इसी के साथ इसमें आपको 3090mAh की बैटरी दी गई है। और अगली प्राइस कैटेगरी की बात करें तो अगली प्राइस कैटेगरी है अंडर 30,000 रुपीज़, यानी 30,000 से नीचे के फ़ोन। इसमें मैंने दो फ़ोन सेलेक्ट किए हैं, हुआई होनर 8 प्रो और OnePlus 3T। तो इन दोनों फ़ोन के अगर स्पेसिफिकेशंस की बात करें, हुआई होनर 8 प्रो की प्राइस की बात करते हैं, इसकी प्राइस 26,000 रुपये है, और इसमें आपको जो है 6GB की रैम, 128GB की इंटरनल स्टोरेज देखने को मिलती है। इसी के साथ में इसमें आपको 4000mAh की बैटरी दी गई है। बात करें अगर डिस्प्ले की तो इसमें आपको 5.7 इंच का 2K डिस्प्ले दिया गया है, और बात करें अगर कैमरे की तो इसमें आपको 12 मेगापिक्सल का ड्यूअल रियर कैमरा देखने को मिल जाता है और फ्रंट में देखने को मिल जाता है 8 मेगापिक्सल का कैमरा, और आपको इसमें एंड्रॉइड का लेटेस्ट वर्जन एंड्रॉइड 7.1.1 नूगट देखने को मिल जाता है। इसी के साथ बात करें अगर प्रोसेसर की तो इसमें आपको प्रोसेसर क्रिन 960 ऑक्टाकोर प्रोसेसर देखने को मिलता है। और बात करें अगर OnePlus 3T की तो इसकी प्राइस है 26,000 रुपये। बेशक ये फ़ोन थोड़ा पुराना हो गया, लेकिन अभी भी अगर इसके स्पेक्स को हम कंपेयर करें अदर फोनों से तो अभी भी ये एक बेस्ट फोन है। बात करें अगर इसमें कैमरे की तो आपको इसमें 16 मेगापिक्सल का बैक कैमरा देखने को मिलता है, 16 मेगापिक्सल का ही फ्रंट कैमरा। और डिस्प्ले की बात करें तो आपको इसमें 5.5 इंच का फुल HD डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। बात करें अगर इसके एंड्रॉइड वर्जन की तो आपको इसमें एंड्रॉइड मार्शमेलो देखने को मिल जाता है, लेकिन कंपनी आपको जो है ये कहती है कि वो आपको नोगट का अपडेट देती है, तो बेशक भी आपको इसमें नोगट का अपडेट मिल जाएगा। इसी के साथ में अगर बात करें इसके प्रोसेसर की तो इसमें आपको स्नैपड्रैगन 821 1.6 GHz का क्वाड कोर प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, और इसमें आपको जो है 3400mAh की बैटरी दी गई है।
इसके अलावा बात करें अगर रैम की तो 6GB की रैम है और 128GB की इंटरनल स्टोरेज आपको इसमें मिल जाती है। तो अब अगर बात करें अगली प्राइस कैटेगरी की तो वो है 20,000 या फिर हम कह सकते हैं 15,000 यानी 20,000 या 15,000 से नीचे के, 20,000 या 15,000 से नीचे के, इसलिए क्योंकि दोनों ही फोन जो है 20,000 के नीचे के बेस्ट फोन है लेकिन इनकी जो प्राइस है वो 15,000 से भी कम है। ये जो फोन है ये है कूलपैड कूलप्ले 6 शाओमी A1 और 10.org। इनके स्पेक्स में इस वीडियो में नहीं बताने वाला क्योंकि ऑलरेडी मैं एक वीडियो में इनके बारे में बता चुका हूं, तो उस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी और कार्ड्स में से वो वीडियो देखने को मिल जाएगी। और बात करें अब अगर अगली प्राइस कैटेगरी, तो ये लास्ट प्राइस कैटेगरी है, ये है अंडर 10,000 रुपीज़ मतलब 10,000 से कम की प्राइस में बेस्ट फोन कौन से। इस कैटेगरी में मैंने दो फोन्स को रखा है, शाओमी रेडमी 5 प्लस और शाओमी रेडमी 4 है। आप में से कई लोग बोलेंगे Xiaomi Redmi 5 Plus अभी लॉन्च नहीं हुआ है तो उसकी प्राइस इंडिया में क्या होगी मुझे क्या पता, लेकिन ये कहा जा रहा है कि इसकी जो प्राइस है वो 10,000 के अंदर ही होगी, तो इसलिए मैंने इस फोन को इस कैटेगरी में रखा है। तो बात करें अगर पहले फोन Xiaomi Redmi 5 Plus की, तो इसकी प्राइस 10,000 के लगभग रहने वाली है। अभी कुछ फोन लॉन्च हुआ नहीं है इंडिया में, तो इस वजह से प्राइस कहा नहीं जा सकती फिक्स कितनी होगी, लेकिन जो प्राइस होगी लगभग 10,000 होगी। और अगर इसके स्पेक्स की बात करें तो इसमें 12 MP का बैक कैमरा रहने वाला है, 5 MP का फ्रंट कैमरा, और डिस्प्ले की बात करें तो आपको इसमें 5.9 इंचेस का फुल HD डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा IPS LCD स्क्रीन के साथ में, जो 18:9 के रेशियो में देखने को मिलेगी। और बात करें अगर इसके एंड्रॉइड वर्जन की, तो आपको इसमें लेटेस्ट एंड्रॉइड 7.1.1 देखने को मिलता है। नूगट वैसे लेटेस्ट है नहीं, ओरियो आ चुका है, लेकिन एंड्रॉइड 7.1.1 आपको इसमें देखने को मिल जाता है, जो अभी मोस्टली फोनों में हमको देखने को मिलता है। और बात करें अगर रैम की, तो आपको इसमें 3GB की रैम 32GB की इंटरनल स्टोरेज देखने को मिल जाती है। प्रोसेसर आपको इसमें क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 625 2GHz का देखने को मिल जाता है और 4000mAh की बैटरी आपको इसमें दी गई है। और अब बात करते हैं इस वीडियो के लास्ट फोन के बारे में, Xiaomi Redmi 4A जिसकी प्राइस है 6,000 रुपये। अगर बात करें इसके स्पेसिफिकेशंस की, तो इसमें आपको 13 MP का बैक कैमरा और 5 MP का फ्रंट कैमरा देखने को मिल जाता है। और इसी के साथ आपको इसमें 5 इंचेस का HD डिस्प्ले दिया गया है और एंड्रॉइड वर्जन जो आपको मिलता है वो मिलता है एंड्रॉइड मार्शमेलो। और बात करें अगर प्रोसेसर की, तो आपको इसमें क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 1.4 GHz का देखने को मिल जाता है और 2GB की रैम 16GB की इंटरनल स्टोरेज और 3120mAh की बैटरी। तो ये थे साल 2017 के बेस्ट फोन्स, बेस्ट स्मार्टफोन्स मेरे हिसाब से। अगर आपको भी लगता है सेम चीज़ तो मेरे ख्याल से आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, या फिर आप अभी तक भी ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इसे लाइक करें, बिना इस वीडियो को हटाएं नहीं तो लाइक करें, साथ ही साथ शेयर करें कंटेंट ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे लोगों तक ये कंटेंट पहुंच पाए और कुछ फ़ायदा मुझे भी हो पाए। इसी के साथ अगर आपके कुछ थॉट्स है, कुछ क्वेश्चन है, कुछ सजेशन है, तो मुझे कमेंट बॉक्स के थ्रू आप बता सकते हैं और मैं ज़रूर रिप्लाई करूंगा आपके कमेंट्स का। इसी के साथ अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं, जिससे लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। इसी के साथ अगर आप मुझे ट्विटर इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं, फेसबुक मेरे पेज को लाइक करना चाहते हैं, तो उन सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इस वीडियो के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय फॉर नाउ।